वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक विटामिन सी की रिव्यू करने वाली हूँ सीरम की। ये जो सीरम है आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स देती है, वायरल चल रही है लेकिन प्रोडक्ट ओरिजिनल है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी देती है। साथ में फ्रेंड्स आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको पूरी फुल वीडियो देखनी है फिर देन यूज करनी है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें तो उसको अच्छे से जान जाए फिर देन यूज करें। और इस टाइप की कंटेंट आपको पसंद है, ये एक रिव्यू चैनल है, आपको इस चैनल पे एक रिव्यू वीडियोज मिल जाती है प्रोडक्ट्स पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की प्रोडक्ट है वो है प्रोस्किन की एडवांस विटामिन सी सीरम। इसकी प्राइसिंग की बात करूं एंड क्वांटिटी की बात करूं तो आपको अराउंड 500 रुपीज लग जाती है एंड क्वांटिटी आपको 30 ml ऑफ द प्रोडक्ट मिलती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपको प्रोडक्ट क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, क्या क्लेम्स प्रोवाइड करती है। तो आपकी स्किन को रेडियंस ग्लो प्रोवाइड करती है, स्किन को ब्राइटन अप करेगी, स्किन को साथ में रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम मीन्स एजिंग की जो प्रॉब्लम है उस पर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलती है और आपको स्किन को मॉइस्चराइज करेगी 24 आवर। और जो वाटर लॉस की जो प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पे, जो डिहाइड्रेटेड दिखती है स्किन, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी फेस पे। और स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्किन को अच्छे से रखनी है, एक्ने नहीं लानी है, ड्राइनेस नहीं लानी है, आपको पूरी सेंसिटिव स्किन नहीं बनानी है, तो इस टाइप की इंग्रेडिएंट्स आपको डेफिनेटली यूज करनी चाहिए। आपको साथ में पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है, आपकी डार्क स्पॉट्स एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करती है और एक अच्छे से आपको जेंटली एक्सफोलिएट भी करके देती है स्किन को। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है आप किन एज ग्रुप वाले यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एज ग्रुप बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो फ्रेंड्स आप 18 के प्लस वाले ही सिर्फ यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और 18 के प्लस वाले को मेरे हिसाब से कोई भी एक विटामिन सी की सीरम यूज करनी चाहिए क्योंकि उस टाइम से आपकी जो एज है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। कोलेजन अगर आप पहले से ही अच्छे मेंटेन करके रखोगे तो आपको एजिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और बहुत लेट तक आती है आपकी एजिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है आप कौन स्किन टाइप यूज कर सकते हो, तो ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हो लेकिन पैस्टिस आप जरूर कीजिएगा। अगर आपकी ऐसी स्किन पे है कि आपको हर चीज सूट नहीं करती है तो डेफिनेटली स्किन पे पैस्टिस जरूर करें। मेरे स्किन पे हर चीज सूट नहीं करती है तो मैं जो भी यूज करती हूँ सबसे पहले पैस्टिस करती हूँ फिर देन यूज करती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है आपको यूज कैसे करनी है, क्योंकि यूजेस बहुत सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसको यूज अच्छे वे में नहीं करोगे, इफेक्टिव वे में नहीं करोगे तो आपको हो सकती है वो थोड़ी सी लेट रिजल्ट दे सकती है या आपको रिएक्ट भी कर सकती है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं नेक्स्ट कि आपको मॉर्निंग में कैसे इसे यूज करनी है। मॉर्निंग में फेस को वॉश कर लेनी है, फेस वॉश जो भी लें पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट लें आप, ठीक है, क्योंकि पैराबेन सल्फेट फ्री आप लेते हो तो कोई भी रिएक्शन की चांसेस नहीं होती है। अगर आप आपके पास थोड़ी सी बजट है तो आप कोशिश करें कि जो विटामिन टाइप की चीजें होती है, विटामिन सी टाइप की चीजें, उस टाइप की इंग्रेडिएंट से बनी वाली फेस वॉश ले। पपाया फेस वॉश आप ले सकते हो, विटामिन सी वाली ले सकते हो, लैक्टिक एसिड साइट्रिक एसिड टाइप की चीजें वाली फेस वॉश ले सकते हो। इससे स्किन को ब्राइटन अप करती है और स्किन को और अच्छे से रिजुवेनेट करेगी। फेस वॉश करने के बाद आप अच्छी वाली टोनर जरूर लगाएं, राइस वाटर टोनर ले सकते हो या कोई भी टोनर ले सकते हो, नहीं तो टोनर स्किप भी कर सकते हो। टोनर लगाने के बाद सीरम ले, कम से कम 3 drops ऑफ द सीरम ले अपने फेस पे, फिर अच्छे से मसाज करते हुए उसे पेनिट्रेट कर दे। नेकीरा को भी कवर करनी है और नेकीरा को कभी भी आप ना भूले फेस वॉश करें तो नेकीरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छे से सीरम लगाने के बाद फिर देन आपको मॉइस्चराइजर जरूर लगानी है स्किन को लॉक करने के लिए, स्किन की जो सीरम आप लगाए हो अच्छे से लॉक हो और हाइड्रेट करते रहे आपकी स्किन पे, इसलिए ये चीज मैं बोल रही हूँ। जो भी मॉइस्चराइजर भी ले फ्रेंड्स वो पैराबेन सल्फेट फ्री ही मॉइस्चराइजर ले। मॉइस्चराइजर में मैं बात करूँ तो आपको विटामिन टाइप की चीजें वाली मॉइस्चराइजर लेनी है जिससे आपकी स्किन और जल्दी से रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन डेफिनेटली आपको फ्रेंड्स लगानी है, सनस्क्रीन स्किप नहीं करनी है। विटामिन सी से बनी वाली चीजें या कोई भी स्किन व्हाइटनिंग वाली चीजें से बनी हुई वो प्रोडक्ट उसमें आपको सनस्क्रीन डेफिनेटली लगानी है। ये लगाने के बाद देन आपको कुछ नहीं करनी है, लेकिन नाइट में सेम रूटीन आपको फॉलो करनी है लेकिन आपको सनस्क्रीन को स्किप कर देनी है, सनस्क्रीन आपको नहीं लगानी है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिल जाती है। हाइलुरोनिक एसिड के साथ फ्रेंड्स आपको इसमें 10% ऑफ विटामिन सी मिल जाती है जो कि विटामिन सी बहुत अमेजिंग रिजल्ट देती है। साथ में आपको फेरुलिक एसिड मिल जाती है फ्रेंड्स जो कि पिगमेंटेशन को आपको रिड्यूस करके देती है, और साथ में फ्रेंड्स आपको पपाया मिल जाती है। और भी कई टाइप्स की इंग्रेडिएंट्स है लेकिन मैंने आपको कुछ कुछ बताया है। फेरुलिक एसिड आपको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करती है।
हाइलुरोनिक एसिड आपको बहुत से हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, विटामिन सी की जो मैंने आपको पहले बता दी है, कोलेजन की जो अमाउंट है उसको बूस्ट अप करती है और भी बहुत सारी बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। साथ में आपको ये पैराबेन सल्फेट फ्री प्रोडक्ट मिलती है, लैब टेस्टेड है, मिस आपको डर्मेट टेस्टेड मिलती है, कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको नहीं होगी। और साथ में फ्रेंड्स ये आपको इवन स्किन टोन प्रोवाइड करती है, आपकी जो पोर्स की प्रॉब्लम है पोर्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करती है, क्योंकि पोर्स अगर आपकी बहुत ज्यादा लार्ज पोर्स है तो अच्छी नहीं लगती है फेस में दिखना, तो वो उस चीज को मिनिमाइज करती है। सन डैमेज जो हो जाती है फ्रेंड्स, सन डैमेज में आपकी जो सन से डैमेज हो जाती है स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, साथ में आपकी स्किन पे ड्राइनेस आने लगती है, सन बर्न हो जाती है, उस टाइप की चीजों को ये रिड्यूस कर देती है और बहुत अच्छे से सीरम को। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रोडक्ट है आपको रिजल्ट कब तक शो करना स्टार्ट हो जाती है, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले इसमें 10% ऑफ विटामिन सी मिलाई गई है, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी स्टार्ट कर देगी देना। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी सी अच्छे से रिजल्ट चाहिए, पूरी रिजल्ट चाहिए, तो ज्यादा दिनों तक यूज करें। आप पिगमेंटेशन मेलाज्मा टाइप की चीजें आपको हो गई है, लाइट मेलाज्मा हो गई है, तो यूज कर सकते हो उस पर, लेकिन टाइम लगेगी, 2-3 months आपको ले सकती है। टैनिंग को भी ये रिड्यूस करने में बहुत से बेनिफिशियल होगी फ्रेंड्स। तो चलिए आज के वीडियो को ही एंड करते हैं, सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिएगा, और इस टाइप की कंटेंट आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ को भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।